वेलकम गाइज, एस थाउजेंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो कि आज का वीडियो दिखाऊंगा सामान, कपड़ा, जैकेट और नया फिलहाल के लिए आइजल में गया था कल रात को स्कूटी बेकरी करके। स्कूटी बेच के मैंने आया गया और फिलहाल के लिए मैं पैदल जा रहा हूँ। कुछ जगह पास से आया है अभी तो पैदल, बहुत दूर जाना है भाई। और ऊपर से इतना बड़ा, इतना गर्म भाई, क्योंकि अभी वैसे 20 किलोमीटर जैसा पैदल जाना पड़ेगा। गाड़ी नहीं मिल रहा है और इधर टू व्हीलर टैक्सी भी नहीं मिलता है, तो क्या करें गाइस। बेच दिया तो अभी बेच के भी पछता रहा हूँ, क्योंकि स्कूटी ने मुझे बीच में तो अच्छा परफॉर्म नहीं दिया है, लेकिन कल रात को ये सब रास्ते में जब मैंने भाई कल रात को इतना पकड़ा ना स्कूटी को, क्या बोलूँ। ये सब प्लानिंग मैंने एकदम सुला के लिया है। ऐसे तो लोग मेरे पीछे बैठते नहीं हैं, बोलते हैं कि भाई तू बहुत तेज चलाता है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो मैं गाड़ी लेने के बाद मैंने एक साल के अंदर 14 एक्सीडेंट और कई बार मेरा हाथ का छिल हो गया था। यहाँ पे मिट्टी फेंका जा रहा है किस लिए पता नहीं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दम से पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है। ये सब रास्ते में कल रात को मैंने बहुत तेज तेज भगाया है और आज तो पूरा मन खराब है। मैं स्कूटी बेचती हूँ, लेकिन किसी चीज़ को कुछ दिन के लिए रखे तो इसका प्यार लग जाता है, इसलिए कल सोचा था लास्ट राइड होगा तो एकदम अच्छा से लिया जाए उसको। अगर गिर गया तो मतलब बनाऊंगा कुछ अपना जान का परवाह छोड़ के। ऐसे भगाया भाई 60-70 की स्पीड यहाँ पे मैंने चलाया है। ऐसे बहुत सारा कार्ब है, इतना कार्ब है ना ये सब रास्ते में, ये बहुत खतरा ज़्यादा। कार भी कार पे भाई आप गाड़ी को धीमे चलाना ही पड़ेगा, तेज नहीं चला सकते, क्योंकि इतना कार है ना यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे कार है कि आप सुपर बाइक को लेके इसका स्किन स्पीड ज़्यादा बिना रख के 40-50 में तो आप पूरा 16 के कार ले सकते हैं। ऐसे ऐसे रोड है यार, तो मेरा पीछे देख सकते हैं, मतलब एकदम पूरा कर्व, क्योंकि क्या करें। अभी आप लोग बताओ कमेंट में, स्कूटी बेच के मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, और मेरे पास और एक बाइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप बताइए। तो गाइस ऐसे रास्ता है और मुझे वो पहाड़ी आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसे 14 किलोमीटर मुझे जाना है टोटल, आगे पीछे मिला के 51 किलोमीटर होता है। तो ऐसे 14 किलोमीटर मुझे जाना है पहाड़ी के साइड, उस साइड, इस साइड, तो अभी बहुत दूर जाना है।
ये सब में आप अच्छा ड्राइवर होंगे बाइक स्कूटी लेके 770 में तो ऐसा वाला कैब ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रक जहाँ से आया ये सब तो आपको एकदम धीमा करना पड़ेगा, बहुत धीमा। तो गाइज आज ऑल आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, वह एकदम पहाड़ी का लास्ट, और ये है ZMC हॉस्पिटल, और गाइज यहाँ से मैंने पैदल चलना शुरू किया है, यहाँ से मैंने पैदल चलना शुरू किया है, और अभी तक उधर से घूम के इधर घूम घूम के इधर से मैं आ रहा हूँ और इधर से मैं जाऊँगा। गाइस बहुत दिन बाद दिखाई दिया एमरल्ड, एमरल्ड कौन सा जगह है पता नहीं, लेकिन उधर से सोमय एक आते हुए, लेकिन दूसरा असल में और भी जगह मिला है, क्योंकि रात के समय दिन में गाड़ी कम चलता है, रात के समय ज़्यादा गाड़ी चलता है, लेकिन बेंचूत यहाँ पे दिन में ही गाड़ी ज़्यादा चलता है, ज़्यादा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है, कभी कभार तो एक दो तो ये कंपनी का गाड़ी ये उधर से ज़्यादा तो नहीं इधर से आता है, 6-7 ट्रक और बाइक स्कूटी उन लोग जहाँ पे जाके काम करते हैं खेती वती करते हैं उन लोग आता है, लेकिन और कोई नहीं है। ये तो ये अभी सामने से गाड़ी एक आएगा, ये तो अपना बगान उगान कुछ रखता है, देखा ये सब गाड़ी ऐसे ही आता है, लेकिन ज़्यादा गाड़ी नहीं चलता है, रात में तो एकदम ना के बराबर चलता है, कभी कभार एक आध स्कूटी बाइक निकल जाता है। तो मेरा पीछा अगला उस दिन का ब्लॉग में देखा होगा कि मिट्टी गिरा था, तो गाइस ये वाला फिर अभी कंपनी उन लोग का गाड़ी जाते समय दिकदार हो जाता है, तो उन लोग थोड़ा बहुत माटी कटवा लेते हैं, थोड़ा बहुत काट के अपना ट्रक जाने के लिए रास्ता बना देते हैं, लेकिन ये देखो गाइस अभी बाइक एक आ रहा है, लेकिन इस बाइक वाला भाई से लिफ्ट मांगता, लेकिन उसका पीछे और एक बंदा था R15B2 था, तो बैठा नहीं पाएगा, दूसरा बाइक या स्कूटी होता तो लिफ्ट मांग लेते हैं, लेकिन इनसे लिफ्ट मांग के भी बेकार है। तो गाइस यार सपोर्ट कीजिए यार का, मैं तो सिर्फ व्यू 20-25 लेके बैठा हुआ हूँ, तो आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं गाइस, और मेरा यूट्यूब कम्युनिटी थी मुझे ब्लॉग आप लोग के हाथों भेजवाता ही नहीं है। ठीक है गाइस तो बाय, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, सी यू अनदर ब्लॉग, सपोर्ट किया करो यार।